तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप वायरल मीम्स वाले मैथ वाले इफेक्ट को कैसे ऐड कर पाओगे अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से आप भी ऐड करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं मनीष कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐप की जरूरत होगी जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा बिल्कुल इजीली तरीके से। उस ऐप का नाम है वीटा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट को ऐड करना है और कैसे अपने मोबाइल में भी सेव करना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन, ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको वो प्रोजेक्ट को ऐड कर लेना है जिसमें आप मैथ वाले इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो। तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से और इस पर यहाँ पे येरो वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग लेगा, वीडियो ऐड हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नीचे वाला सेशन दिख रहा है, इसमें आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको नीचे दिख रहा होगा इफेक्ट और फेस इफेक्ट। तो हमको क्या करना है, इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना, न्यू हॉट का ऑप्शन, इस पर हम स्क्रॉल करेंगे और इसको हम फनी ढूंढेंगे इसमें, ठीक है। फनी यहाँ पर देख सकते हैं ये फनी वाला है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्वाइप अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको मैथ का ऑप्शन एक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैथ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ये ऐड हो चुका है। फिर इसमें एक और सेटिंग करना है आपको, इस पर फिर से आपको क्लिक करना है। अब इसको एडजस्ट करना, ये स्लो इफेक्ट लगे या फास्ट, तो यहाँ से आप स्लो इफेक्ट यहाँ से आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्लो कर देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से डन वाले पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर एडजस्ट करना है कि आप अगर अपना फुल वीडियो में रखना चाहते हो इफेक्ट को, तो यहाँ पर यहाँ से पूरा फुल कर देना है इसको यहाँ से, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा लगाना चाहते हो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इफेक्ट को ऐड कर पाओगे। अब इसको सेव कैसे करें अपने मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना होगा कि इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और ये आपका सेव होने लगेगा आपके मोबाइल में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।